Hello everyone, welcome back in Raya Smart Classes. Today we'll study NCERT Exampler Solutions Class 10 Science Chapter 1 Chemical Reactions and Equations. In this session we will solve long answer questions, question number 39 to question number 44. I will try to explain each question through PowerPoint presentation in English and Hindi mix to understand you easily. At the end of each slide, hold a slide for a minute so that you can write down the answer of each question for offline revision and practice. If you understand and satisfy our learning pattern, please subscribe our channel and turn on notification for complete study of each chapter and latest update. Now let us start the question. तो आज हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 से. इससे पहले का जो क्वेश्चंस हमने अपने पूरे पीछे की वीडियो में किए हैं, आप चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं. तो आज यहाँ करते हैं क्वेश्चन नंबर 39. क्या कर, ऑन हीटिंग ब्लू कलर्ड पाउडर ऑफ कॉपर टू नाइट्रेट इन बॉइलिंग ट्यूब, कॉपर ऑक्साइड, ब्लैक ऑक्सीजन गैस एंड ब्राउन गैस एक्स इज फॉर्म्ड. क्वेश्चन कर रहा है कि कॉपर नाइट्रेट जो ब्लू कलर पाउडर है, इन बॉइलिंग ट्यूब जब उसको हीट करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का ऑक्सीजन गैस एंड अ ब्राउन गैस एक्स इज फॉर्म्ड. राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन. तो सबसे पहले क्या हम करते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है तो स्टेटमेंट को केमिकल फॉर्मूला के रूप में इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं. तो क्या कर रहा है, ऑन हीटिंग ब्लू कलर पाउडर ऑफ कॉपर टू नाइट्रेट, तो मतलब कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट CuNO3 होल्ड आइस हमने लिख लिया. इन बॉइलिंग ट्यूब हीट कर रहे हैं, मतलब हमने हीट लगा दी. दैट गिव्स कॉपर ऑक्साइड CuO, ऑक्सीजन गैस O2 एंड ब्राउन गैस X. तो ब्राउन गैस X क्या होगा, तो जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो कॉपर नाइट्रेट जब हीट करेंगे तो क्या बना, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड निकल गया CuO प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन निकल गया एंड प्लस X. अब X क्या होगा तो कैसे देखेंगे, तो हमारा देखो यहाँ पे क्या है, कॉपर ऑक्सीजन 3 निकल गया तो हमारे पास क्या बचा है, NO3 होल ट्वाइस 2 है, तो जो बचेगा NO2 मतलब जो X है वो क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. तो सबसे पहले हमने रिएक्शन लिख लेते हैं, उसके बाद बैलेंस जब करेंगे तो क्या करेंगे. ये हमारे को सबसे पहले क्या है, ये कॉपर है यहाँ आया, यहाँ एक कॉपर है कोई नहीं, यहाँ पे NO3 नाइट्रेट, नाइट्रोजन कितना है तो नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन सिंगल है. अब ऑक्सीजन 6 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2 दो चार एक पांच मतलब 5 है. तो अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं. तो ऑक्सीजन को अगर बैलेंस करना है तो कितना करना पड़ेगा, 5 है हमारे पास ऑक्सीजन कितना है, मतलब 3 × 2 = 6. तो 6 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 1, 2, 3 और 2, 5. तो हम अगर इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा,
फोर इंटू टू एट ऑक्सीजन प्लस टू टेन एंड यहाँ भी टू है, तो हम अगर यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में टू कर देते हैं और प्रोडक्ट साइड में कॉपर ऑक्साइड को टू से मल्टीप्लाई कर दें और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप रिएक्टेंट साइड में देखो दो कॉपर है, प्रोडक्ट साइड में भी दो कॉपर है, नाइट्रोजन कितना है दो दो चार, और यहाँ पे नाइट्रोजन कितना आ गया फोर, प्रोडक्ट साइड में भी ऑक्सीजन हो गया थ्री इंटू टू सिक्स इंटू टू ट्वेल्व, यहाँ पे हो गया टू और फोर इंटू टू एट, टेन प्लस टू ट्वेल्व, प्रोडक्ट साइड में भी टू, मतलब इक्वेशन बैलेंस हो गया। सेकंड क्या करें, आइडेंटिफाई द ब्राउन गैस एक्सिबॉल्ड, जो ब्राउन गैस एक्सिबॉल्ड हो रहा है क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एनओ टू। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, द टाइप ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन होता है, एक बड़ा कंपाउंड अपने छोटे कंपाउंड में बीट हो रहा है, मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन, तो द रिएक्शन इज थर्मल डिकम्पोजिशन। व्हाट वुड बी द पीएच रेंज ऑफ एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ द गैस एक्स, तो गैस जो निकल रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसका पीएच रेंज क्या होता है एक्वेस सॉल्यूशन में, तो लेस देन सेवन पीएच जो होता है, क्या होता है, बिकॉज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एसिडिक सॉल्यूशन, मतलब कि पीएच रेंज सेवन से नीचे होगा तभी एसिडिक सॉल्यूशन बनेगा, क्योंकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है एनओ टू जब वाटर से में डिजॉल्व होता है तो क्या बनता है, एसिडिक सॉल्यूशन बनता है, तो एसिडिक सॉल्यूशन मतलब बनता है, तो अगर एक्वेस सॉल्यूशन है तो मतलब उसका जो पीएच होगा क्या आएगा, लेस देन सेवन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 40, गिव द कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर द फॉलोइंग गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, पास कार्बन डाइऑक्साइड इनटू लाइम वाटर व्हिच विल टर्न वाटर इनटू मिल्की, दिस इज कंफर्मेशन टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे पास ये इनके करेक्टरिस्टिक टेस्ट बताना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम लाइम वाटर में पास करते हैं तो क्या होता है, लाइम वाटर टर्न मिल्की हो जाता है, दिस इज द कंफर्मेशन टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ, मतलब कि जो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस कंफर्म करता है, तो अगर CO2 का करेक्टरिस्टिक टेस्ट बताना हो तो क्या है, पास CO2 इनटू लाइम वाटर विच विल टर्न वाटर इनटू मिल्की, दिस इज द कंफर्मेशन टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। SO2, SO2 का करेक्टरिस्टिक टेस्ट क्या है, तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड बैड रूटीन एग जो होता है ना उस तरह की स्मेल आती है, दैट इज द करेक्टरिस्टिक फीचर, द स्मेल इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड विच स्मेल्स लाइक अ रूटीन एग। ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन टेस्ट फॉर ऑक्सीजन इन्वॉल्व्स बर्निंग ऑफ मैच स्टिक्स नियर ऑक्सीजन मेक्स इट बर्न्स इवन मोर ब्राइटली, अगर ऑक्सीजन के लिए टेस्ट है तो क्या माचिस को नियर ऑक्सीजन बर्न करते हैं तो क्या होगा, मोर ब्राइटली और बर्न होगा, दैट इज द कंफर्मेशन करेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर ऑक्सीजन। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस का क्या है, व्हेन बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर हाइड्रोजन गैस द फ्लेम बर्न्स विद द पॉप साउंड,
माचिस्टिक को हाइड्रोजन गैस के निर्माण में जब हम जलाते हैं तो जो फ्लेम है वो जल किस तरह आता है, एक उसमें साउंड आती है, पॉप साउंड की तरह आती है। दिस इज अ टेस्ट टू कंफर्म हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 41। व्हाट हैपेंस व्हेन अ पीस ऑफ क्या है, जिंक मेटल इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्या होगा, हमारे पास ऑप्शन दो तीन क्वेश्चंस हैं। जिंक मेटल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो क्या होगा, अगर जिंक प्लस कॉपर सल्फेट क्या हो जाएगा, रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। व्हेन जिंक इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जिंक डिस्प्लेस कॉपर टू फॉर्म जिंक सल्फेट। क्या होगा, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट जब आपस में रिएक्ट होगा तो डिस्प्लेस करेगा कॉपर को और उसके जगह जिंक सल्फेट आ जाएगा। अल्यूमिनियम मेटल इज एडेड टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अल्यूमिनियम प्लस HCl दैट गिव्स क्या होगा, अल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो अल्यूमिनियम मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl टू फॉर्म अल्यूमिनियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व इन द रिएक्शन। अब जिसे हमने कहा ना कि जब भी कोई हो तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि उसको केमिकल फॉर्म में इक्वेशन को लिखते हैं, उसके बाद केमिकल को बैलेंस करते हैं, मतलब कि जितना मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट साइड रिएक्टेंट साइड में उतने ही प्रोडक्ट साइड में होना चाहिए। तो जब भी कोई स्टेटमेंट हो तो सबसे पहले स्टेटमेंट को हम केमिकल फॉर्मूला के रूप में या के कन्वर्ट करते हैं और इक्वेशन लिखते हैं, उसका कोई भी इक्वेशन बैलेंस होना मस्ट है। नेक्स्ट, सिल्वर मेटल इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो सिल्वर Ag प्लस कॉपर सल्फेट क्या है, CuSO4। तो क्या होगा, सिल्वर सल्फेट प्लस Ag को जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो सिल्वर जो है कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो सिल्वर है नॉन रिएक्टिव मेटल है, जो रिएक्टिव भी मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें। व्हेन सिल्वर मेटल इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन देयर विल नॉट बी एनी रिएक्शन एज सिल्वर इज नॉन रिएक्टिव मेटल। जो रिएक्टिव रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें हम जब देखेंगे तो वहां पे नॉन रिएक्टिव है, कॉपर हाईली रिएक्टिव, तो सिल्वर से रिएक्ट नहीं होगा, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। जब कॉपर सल्फेट सिल्वर मेटल से के सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में अगर हम सिल्वर मेटल लाते हैं मतलब कि उसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा, एज इट इज सिल्वर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक ग्रेन्यूल्स आर ट्रीटेड विथ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, HCl, HNO3, NaCl एंड NOH। ऑल्सो राइट द केमिकल इक्वेशन इफ रिएक्शन ऑकर्स। कह रहा है कि क्या होगा जब जिंक का ग्रेन्यूल डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से, HCl से, HNO3 से, NaCl, NOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट होता है तो क्या होगा, राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन इफ रिएक्शन होगा, अगर रिएक्शन होगा तो क्या रिएक्शन होगा। तो सबसे पहले अगर जिंक H2SO4 से रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट SO4
हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके वहां जिंक आ जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। व्हेन जिंक ग्रेन्युल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट H2SO4 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन को जिंक डिस्प्लेस कर देगा एंड फॉर्म जिंक सल्फेट एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट, व्हेन जिंक ग्रेन्युल रिएक्ट विथ डाइल्यूट HCl ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस, क्यों? Zn प्लस HCl हमने यहाँ बैलेंस किया हुआ, तो क्या हो जाएगा, जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और यहाँ जिंक क्लोराइड बन जाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस, मतलब Zn प्लस 2 HCl दैट गिव्स ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस ZnCl2 दैट इज अ जिंक क्लोराइड। नेक्स्ट, व्हेन जिंक ग्रेन्युअल रिएक्टेड विद डाइल्यूट HNO3, HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड, इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ जिंक नाइट्रेट इवॉल्विंग हाइड्रोजन वाटर एंड नाइट्रस ऑक्साइड। अब क्या है, जिंक जब HNO3 नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा, डिस्प्लेस होगा जिंक नाइट्रेट, ये हो गया ZnNO3 होल टाइज जिंक नाइट्रेट प्लस वाटर लिक्विड 5H2O प्लस N2O नाइट्रस ऑक्साइड, N2O नाइट्रस ऑक्साइड। तो यहाँ पे जब जिंक डाइल्यूट HNO3 से रिएक्ट होता है तो जिंक नाइट्रेट प्लस वाटर एंड नाइट्रस ऑक्साइड में होता है। अब क्या है, जिंक रिएक्ट विथ NaCl, तो जिंक जो है वो NaCl से रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि कोई रिएक्शन नहीं होगा। सोडियम और जिंक जैसे जो है, तो जो मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें जिंक सोडियम ज्यादा रिएक्टिव, तो जिंक रिएक्टिव में नीचे सीरीज में आएगा इसलिए रिएक्टिव रिएक्शन नहीं होगा जिंक। नेक्स्ट, व्हेन जिंक रिएक्ट विथ NOH, तो क्लोरीन यहाँ नहीं हुआ, यहाँ जिंक जब NOH से रिएक्ट होगा तो क्या होगा, जिंक सोडियम जिंक ऑक्साइड, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। जब जिंक NOH से रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा, सोडियम Na2ZnO2 दैट इज अ सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो जिंक जब NaCl से अगर होगा तो क्या होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा, जिंक NaCl से रिएक्ट नहीं करता है। लेकिन जिंक जब NOH सॉल्यूशन में हम ग्रेनुअल्स को डालेंगे तो क्या होगा, रिएक्ट होगा और क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। जिंक जब हम HNO3 से रिएक्ट करेंगे तो बनेगा जिंक नाइट्रेट प्लस वाटर एंड नाइट्रस ऑक्साइड। जिंक जब HCl से रिएक्ट करेगा तो जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। जिंक जब H2SO4 से रिएक्ट करेगा तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 43, ऑन एडिंग अ ड्रॉप ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन टू एन एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फाइड अ व्हाइट प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेंड। कह रहा है कि बेरियम क्लोराइड BaCl2 बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन को एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फाइड Na2SO3, सोडियम सल्फाइड का सॉल्यूशन क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला Na2SO3, मतलब कि BaCl2 प्लस Na2SO3 दैट गिव्स अ व्हाइट प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेंड। क्या बनेगा, BaSO3 मतलब बेरियम सल्फाइड,
एंड एनएससीएल, तो क्या होगा, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑन एन एडिंग अ ड्रॉप ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन टू एन एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, बेरियम सल्फाइड इज ऑब्टेंड व्हिच इज व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट। तो जो व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट होता है वो क्या है, बेरियम सल्फाइड है। अब इक्वेशन BaCl2 हमने बोला बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फाइड Na2SO3 दैट गिव्स बेरियम सल्फेट बीओ सल्फाइड BaSO3 प्लस 2NaCl सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट, व्हाट अदर नेम्स कैन बी गिवन टू द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को दूसरे रूप में क्या, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, Ba डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ सिंगल सोडियम को डिस्प्लेस करके आ जा रहा है, बेरियम सल्फाइड बन रहा है, और ये सोडियम कहाँ चला आ रहा है, यहाँ चला रहा है, मतलब कि दैट इज ए डबल डिस्प्लेस, दिस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। नेक्स्ट, ऑन एडिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू द रिएक्शन मिक्सचर व्हाइट प्रेसिपिटेट डिसअपीयर। अब इसमें क्या कर रहा है कि अगर हम इस जो बेरियम सल्फाइड का प्रेसिपिटेट है इसमें हम HCl डालते हैं, मतलब मिक्स करते हैं, तो जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है वो डिसअपीयर हो जा रहा है। क्यों, क्या हो जा रहा है, फिर से वो क्या बन जा रहा है, बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर। व्हेन वी ऐड डाइल्यूट HCl टू दिस रिएक्शन मिक्सचर बेरियम क्लोराइड सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर आर फॉर्म्ड। बेरियम क्लोराइड इज सॉल्युबल सब्सटेंस व्हिच विल मेक देम व्हाइट प्रेसिपिटेट डिसअपीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, मतलब यू आर प्रोवाइडेड विथ टू कंटेनर्स मेड ऑफ कॉपर एंड अल्मुनियम। कहने का मतलब है कि हमें दो कंटेनर दिया हुआ है, एक कॉपर का है एक अल्मुनियम का है। यू आर ऑल्सो प्रोवाइडेड विथ सॉल्यूशन ऑफ डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HNO3, ZnCl2 एंड H2O। मतलब कि डाइल्यूटेड HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट नाइट्रो मतलब नाइट्रिक एसिड, जिंक क्लोराइड एंड वाटर, ये सॉल्यूशन दिया हुआ है और हमें दो कंटेनर दिया हुआ है। इन व्हिच ऑफ द एबव कंटेनर दिस सॉल्यूशन कैन बी केप्ट। ये जो सॉल्यूशन है किसमें हम रख सकते हैं, तो हम जानते हैं कि जो अल्मोनियम और कॉपर के कंटेनर होते हैं बहुत सारे सॉल्यूशन को स्टोर करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब हम इस कैसे डिसाइड करेंगे, तो भाई उसकी स्टडी जो रिएक्शन है उससे देखेंगे, और जो रिएक्टिविटी सीरीज में मैंने आपको बताया उनकी पोजीशन कहाँ पे है उस केमिकल का, उससे डिपेंड होगा कि कौन सा केमिकल किस में अल्मुनियम में स्टोर होगा या कॉपर कंटेनर में स्टोर होगा। तो जैसे हम इसी में की है, द कंटेनर मेड ऑफ कॉपर और अल्मुनियम इज सुटेबल फॉर स्टोरिंग सम सॉल्यूशंस। दिस कैन बी डिसाइडेड बाय स्टडिंग देयर रिएक्शन विथ कॉपर एंड अल्मुनियम विच आल्सो डिपेंड ऑन द रेस्पेक्टिव पोजिशन इन एक्टिविटी स्टोरीज। मतलब कि जो मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें उनकी पोजीशन से भी डिपेंड करता है कि कौन किस से रिएक्टिव है और कौन किस से रिएक्टिव नहीं है। जैसे कि अगर हम कॉपर से रिएक्शन का देखें तो क्या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो कॉपर जब HCl से करेंगे तो क्या होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि जो सीरीज है रिएक्टिविटी सीरीज उसमें जो कॉपर है वो नीचे है, इसलिए कोई रिएक्शन नहीं होता। इट कैन बी स्टोर्ड इन कॉपर कंटेनर। अगर डाइल्यूट HNO3 की बात करें
बींग ए स्टोरिंग ऑक्सीडाइजर डाइल्यूट HNO3 रिएक्ट विथ कॉपर सो इट कैन नॉट बी स्टोर्ड इन कॉपर कंटेनर। अगर कॉपर कंटेनर में HNO3 का, तो क्योंकि क्या है, जो HNO3 है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए वो क्या होगा, कॉपर से रिएक्ट हो जाएगा। कॉपर से रिएक्ट हो जाएगा तो कॉपर से रिएक्ट होगा तो कॉपर कंटेनर में नहीं रख सकते, क्योंकि वो स्टोर नहीं कर सकते। जिंक क्लोराइड है, जिंक क्लोराइड भी क्या है, जिंक कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। जो कॉपर क्या होता है, जिंक से कम रिएक्टिव होता है, इसलिए क्या होगा, इट डज नॉट रिएक्ट विद जिंक क्लोराइड। जो जिंक क्लोराइड सॉल्यूशन है, कॉपर लेस रिएक्टिव है तो उससे रिएक्ट नहीं करेगा, देयरफॉर इट कैन बी स्टोर्ड इन कॉपर कंटेनर। जो किसमें रख सकते हैं, जो कि रिएक्शन ना हो, उसमें कम रिएक्टिव हो, जो हमारा कंटेनर है जिस मेटल का, और जो हम सॉल्यूशन रख रहे हैं, तो जो सॉल्यूशन है वो कंटेनर से तभी उसको स्टोर कर सकते हैं जब जो सॉल्यूशन है और कंटेनर दोनों में रिएक्टिव ना हो। वाटर, वाटर वाटर कॉपर से रिएक्ट नहीं होगा तो हम इजली स्टोर कर सकते हैं। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर सो इट कंटेनर इट्स कंटेनर कैन बी यूज टू स्टोर H2O। तो अगर कॉपर से कंटेनर में रखने की बात हो तो कॉपर कंटेनर में हम क्या रख सकते हैं, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रख सकते हैं, जिंक क्लोराइड रख सकते हैं, वाटर रख सकते हैं, क्या नहीं रख सकते हैं, नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट HNO3 नहीं रख सकते क्योंकि रिएक्टिव है। तो जो रिएक्टिव होगा उसमें नहीं रखेंगे, क्योंकि वो रखेंगे स्टोर करेंगे तो वो रिएक्शन होके चेंज, वो गड़बड़ कर देगा, स्टोर नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, अगर आयरन कंटेनर रिएक्शन से होता है, एल्युमिनियम से होता है, तो अगर HCl एल्युमिनियम से रिएक्ट होगा तो क्या होगा, एल्युमिनियम क्लोराइड बन जाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस। एल्युमिनियम रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl सो इट कैन नॉट बी केप्ट इन एल्युमिनियम कंटेनर। जो एल्युमिनियम है वो HCl से रिएक्टिव है, इसलिए एल्युमिनियम कंटेनर में नहीं रख सकते। डाइल्यूट HNO3, डाइल्यूट HNO3 क्या है कि वो एल्युमिनियम कंटेनर में रख सकते हैं, क्यों, व्हेन डाइल्यूट केप्ट इन एल्युमिनियम इट फॉर्म्स ए प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड ऑन इट, देयरफॉर इट कैन बी केप्ट इन कंटेनर, एल्युमिनियम कंटेनर। जो एल्युमिनियम कंटेनर है उससे जब हम HNO3 रखेंगे तो HNO3 क्या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो रिएक्ट होगा अल्मोनियम से, तो एक प्रोटेक्टिव लेयर जो फर्दर रिएक्शन नहीं हो सकता, अल्मोनियम ऑक्साइड का बन जाता है, जिससे कि फर्दर रिएक्टिव नहीं है, तो इसलिए हम डाइल्यूट HNO3 को अल्मोनियम कंटेनर में रख सकते हैं। जिंक क्लोराइड को हम अल्मोनियम कंटेनर में नहीं रख सकते, क्योंकि जिंक अल्मोनियम से जब रिएक्ट होगा तो अल्मोनियम क्लोराइड में बदल जाएगा, और अल्मोनियम क्लोराइड कॉपर में, अल्मोनियम में जो अल्मोनियम है क्या है, जिंक क्लोराइड जब हम रखेंगे तो क्या होगा, अल्मोनियम मोर रिएक्टिंग देन जिंक सो इट कैन नॉट बी केम जिंक क्लोराइड सॉल्यूशन इन इट। H2O, तो H2O अल्मोनियम में भी रख सकते हैं, कॉपर में भी रख सकते हैं, हॉट एंड कोल्ड अल्मोनियम में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो वाटर को हम अल्मोनियम में इजली रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। वाटर जब स्टीम के फॉर्म में होता है तब रिएक्टिव होता है, मतलब अटैक अल्मोनियम इज अटैक्ट बाय स्टीम टू फॉर्म अल्मोनियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। जब स्टीम का फॉर्म स्टीम के रूप में होता है तो अल्मोनियम रिएक्टिव होता है, जैसे कि 2Al+3H2O इन जब हीट करते हैं तो क्या L2O3
अल्मोनियम ऑक्साइड प्लस 3H2। तो आज ये सेशन यही समाप्त करते हैं और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आज इस चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का समाप्त हो रहा है। और हम कहेंगे कि अगर हमने जो आपको कंसेप्ट पढ़ाया और ये क्वेश्चंस तैयार कराए, अगर आप इसको कम्प्लीटली तैयार कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आप इसमें कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे। जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी ही अच्छे तरीके से समझ आएगा। और अगर कम्प्लीटली इसको तैयारी करते हैं तो इस चैप्टर को आप समझिए कि 100% श्योर इसमें आप गलती नहीं कर पाएंगे। बस प्रॉपर तरीके से पढ़ना और रिवीजन जरूरी है आप अपने से करना। तो आज इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।